चलिए अब आपको दिल्ली के चंद्रनगर और करोलबाग के साथ वाराणसी, मुंबई, जयपुर और हापुड़ में शराब की दुकानों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें ज्यादातर जगहों पर भीड़ उमड़ी हुई है। ये 6 तस्वीर बता रहे हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद की जो पहली तस्वीर है वो कोरोना वायरस से लड़े जा रही लड़ाई को कमज़ोर करने वाली है। इसमें दिल्ली की तस्वीरें 2 जगह करोलबाग और चंद्रनगर की हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर वाराणसी की, महाराष्ट्र में मुंबई की तस्वीर और राजस्थान में जयपुर, साथ ही हापुड़ की है तस्वीर जो बता रही है कि किस तरह लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ी है। कई जगह तो पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। अब 8 तस्वीर आपके सामने, दिल्ली, रायपुर, राजनांदगांव, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हुबली, गदग और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को बाहर निकलने की बेताबी है, लोगों को शराब खरीदने की बेताबी है, लोगों को लॉकडाउन का पालन नहीं करने की बेताबी है। लॉकडाउन को तोड़ने का हर वो काम करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है जो कोरोना वायरस से लड़ाई को कमज़ोर करती है। और ऐसे में एक बड़ा तबका वो भी है मजदूरों का, जो अपने गांव पहुंचना चाहता है और किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहता है, ये भी एक बड़ी मुश्किल का सबब बने हुए हैं। ऐसे में अब आगे क्या करना है, क्या रणनीति होगी, इस छूट को कैसे लागू किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और लोग अपने मन मुताबिक चीज़ों को कर भी पाए। ये मुंबई की तस्वीरें देखें, किस तरह से दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। ये चिंता वाली तस्वीरें हैं। मुंबई की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे अव्वल नंबर का राज्य बना हुआ है। मयूर विहार की तस्वीरें दिल्ली की देखें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बहुत कोसों दूर जा चुकी है। लोग इस कदर शराब की दुकान के बाहर खड़े हुए हैं कि भीड़ बेतहाशा है, पुलिस को लगातार लोगों को बताना पड़ रहा है। अगर हम कोंडली के तस्वीरें आपको दिखाएं तो वहां भी ऐसी स्थिति है, जैसे ही कैमरा सामने आता है तो थोड़ी बहुत दूरी लोग जरूर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूरी ज्यादा देर तक बन नहीं पाती है। इतनी बेतहाशा भीड़, ऐसा लग रहा है कि आम दिनों वाले दिन है, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से जुड़ी हुई लड़ाई के दिन है और इन 41 दिनों की जो हमारी तपस्या है वो कैसे ये तस्वीरें उन पर पानी फेर सकती है, ये हमें समझना होगा। और अगर लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो वो पूरे देश के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। पुणे की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले सूरत की तस्वीरें, सूरत की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां मजदूरों का जमावड़ा हुआ था, और ये तस्वीर बता रही हैं कि लोग एकत्रित हो गए हैं, लोगों को न जाने कहां से कुछ तरह की जानकारी आती है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीरें जहां मजदूरों के हंगामे की तस्वीरें सामने आई है, अपने अपने घरों को लौटने के लिए मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया है। एक अफवाह कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। एक बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं और इस संख्या बल को अगर आप गिने तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं होगी। ये मजदूर न जाने किसकी बात सुनकर, कौन सी ऐसी उन्हें जानकारी मिली, किसने उनको ये बताया कि आप यहाँ इकट्ठा हुई है, आपको आपके गाँव भिजवाने की तैयारी हो रही है, तो ये इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन ये समझना होगा कि पुणे में मजदूर भेजे जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन संख्या जो है वो कुछ कुछ हिस्सों में बांटी गई है। सूरत की तस्वीरें जिसे हमने आपको दिखाया, कैसे मजदूरों ने पता नहीं कौन सी बात सुन ली लोगों की कि वो इकट्ठा हो गए, और यहाँ तो ये आलम हुआ कि लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्योंकि ये हो रहा था कि मजदूरों पर मजदूर ही पत्थर बरसा रहे थे पुलिस पर। वहीं पुणे की तस्वीरें यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ जगहों का अंतर है, तस्वीरें कमोबेश एक जैसी है, भीड़ एक जैसी है। यहाँ दोनों ही मजदूर हैं, ये वो मजदूर हैं जो अपने कामकाज के लिए यहाँ इन राज्यों में आए, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है, इसीलिए अब न जाने कब तक ये लॉकडाउन खींचेगा, तो क्यों ना अपने घर वापसी की जाए, राज्यों को लौटा जाए जहाँ के वो मूल निवासी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने में राज्य स्तर पर भी काम किया जा रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं ये मजदूर। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा ये बार बार दावा किया जा रहा है कि उनके खाने पीने का, राशन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अचानक उमड़ी इस भीड़ पर सवाल उठा दिए हैं।
दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि वो केंद्र की ही गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से कोई नई छूट दे नहीं सकती। राज्य सरकार के अधिकार है कि रेड जोन में ये है, ग्रीन में ये है, ऑरेंज में ये है। जो रेड जोन में केंद्र सरकार ने छूट दी है वही लागू की गई है। हालात ऐसे बिगड़े हैं कि दिल्ली के चंद्रनगर में शराब की दुकान पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। शराब की दुकान के बाहर जो लोग जुटे थे पुलिस उनको दौड़ा रही है। देखिए, लाठी चार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस कर रही है। देखिए, लोग रुक ही नहीं रहे थे, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब देखिए किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई है। पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भाग रहे हैं। पुलिस ने अब यहाँ से लोगों को बिल्कुल हटा दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में अब पूरी तरह से ये खाली कर दिया है। यहाँ पर देखिए लोग जा चुके हैं, हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है और कोशिश यही कर रही है पुलिस कि यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए पुलिस किस तरह से दौड़ा रही है लोगों को। देखिए लाठी चार्ज किया जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जिस पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे वहाँ पर पुलिस ने अब बल प्रयोग किया है, लोगों को खदेड़ दिया है। ये तस्वीर चंद्रनगर पूर्वी दिल्ली की। कैमरा पर्सन सुलकर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया।